दोस्तों, सांप पकड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। भले ही सांपों में पैर नहीं होते, लेकिन इन जानवरों में फुर्ती बहुत होती है। कुछ प्रजातियों के सांप तो पलक झपकते ही बाइट कर जाते हैं। दोस्तों, सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने से पहले कई महीनों तक सांपों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है और उन्हें पकड़ने के लिए किसी विशेषज्ञ के साथ रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि YouTube पर एक्सपर्ट को सांप पकड़ते हुए देखा और खुद भी सांप पकड़ने लगे। YouTube पर हमारे देश के कुछ जाने माने स्नेक एक्सपर्ट और स्नेक कैचर लोगों से बार बार यही विनती करते हैं कि लोग उन्हें सांप पकड़ते देख उनकी नकल बिल्कुल ना करें। ऐसा कई बार हुआ है जब अच्छे अच्छे स्नेक कैचर सांप पकड़ते समय थोड़ा सा चूक गए और उन्हें सर्पदंश का शिकार होना पड़ा। इनमें से कई लोग तो बच ही नहीं पाए। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। यह घटना है कर्नाटक की, जहां एक व्यक्ति 3 खतरनाक कोबरा सांपों को सामने रखकर उनसे मजाक कर रहा था। तभी उसी में से एक कोबरा ने गुस्सा होकर तेजी से उस व्यक्ति के ऊपर छलांग लगा दी और पैर के ऊपर घुटने में काट लिया। बताइए, जब आप कोबरा जैसे सांपों से मजाक करोगे तो क्या होगा? वीडियो में इस व्यक्ति की हरकतों को देखते हुए लगता है कि इसे सांपों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, बस वीडियो बनाने के चक्कर में ये ऐसी हरकतें कर रहा है। फिलहाल गनीमत यह रही कि लोगों ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो को आप लोगों से शेयर करने का हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है कि बिना जानकारी या बिना प्रशिक्षण के किसी भी प्रजाति के सांपों को छेड़ने, पकड़ने या उन्हें परेशान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अन्यथा उन्हें कोई हथियार नहीं ढूंढने जाना है। ईश्वर ने उनकी रक्षा के लिए उन्हें दांत दिए हैं, वो भी जहरीले, जिससे वे प्रहार करना जानते हैं। सांपों को बिना वजह ना मारें, ना ही किसी को मारने दें। बिना डिग्री और बिना प्रशिक्षण के व बिना लाइसेंस के सांप पकड़ना और उन्हें छेड़ना कानूनन अपराध है। यदि आपको कोई सांप पकड़ते हुए दिखे तो उससे आप सांप पकड़ने का लाइसेंस जरूर मांगें। आपको शायद ना पता हो, कुछ लोग सांप पकड़कर उनका जहर निकालकर उनके जहर को काफी महंगे दामों में बेचकर पैसा कमाने में लगे हैं, क्योंकि सांपों के जहर से कई नशीली दवाइयां और उनके खाल से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। इसलिए फेक स्नेक कैचर को देखते ही शासन प्रशासन में संबंधित विभाग में सूचना दें।